के बारे में बात करते हैं। अभी जस्ट मैंने एक वीडियो डाला है सीक्वेंस से रिलेटेड। अब हम मैंने एक वीडियो आप लोगों के सामने प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं क्यूबेसिक में सिलेक्शन के थ्रू। तो चलिए हम बिना रुके हुए स्टार्ट करते हैं। राइट, यहाँ पे क्यूबेसिक की शॉर्टकट स्क्रीन पर मिलेगी, इस पर माउस का दायां बटन क्लिक करेंगे, यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होगा, यहाँ से जाकर के यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के क्यूबेसिक का आपका प्रोग्राम जो हो जाएगा खुल जाएगा एडिटर। यहाँ पे अनटाइटल बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम अनटाइटल होता है, यहाँ से प्रोग्राम हम बनाएंगे। अभी जो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं वो दो नंबर का एडिशन बनाएंगे, दो नंबर का एडिशन ये सिक्वेंस ही देख लेते हैं। दो नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले प्रोग्राम में आप करेंगे, प्रोग्राम विंडो में चले जाएंगे, यहाँ से सी एल एस कमांड को टाइप करेंगे। सी एल एस कमांड को टाइप करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट, यहाँ पे फर्स्ट नंबर को इनपुट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। यहाँ पे विंडो को देने के बाद सेमी कॉलन देंगे और सेमी कॉलन के बाद वेरिएबल का नाम देंगे, जैसे कि ए। सेकेंड लाइन फिलहाल हम लोग इनपुट करेंगे इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, यहाँ पे विदिन डबल कोट देकर के सेमी कॉलन देंगे और सेमी कॉलन के बाद सेकेंड वेरिएबल का हम नाम देंगे, जैसे कि बी। इंटर कर दिए। अब हमको यहाँ पे एक ही प्रोग्राम में चार काम करना है, दो नंबर का एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, डिवीजन और ये सारे काम करना है। तो हम लोग एक अदर वेरिएबल ले लेंगे जैसे ऐड नाम का। ऐड में हम जाएंगे और ऐड में जाने के बाद सी को ए सी ए ऐड इक्वल्स टू सी प्लस सॉरी सी नहीं बी ए प्लस बी कर देंगे। यहाँ से हम जाएंगे ए और ए प्लस बी हम यहाँ से दे देंगे, टाइप कर देंगे। फिर हम जाएंगे सब्ट्रैक्शन के लिए फंक्शन बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए ए माइनस बी हम कर देंगे। सबस्ट्रैक्शन में हम यहाँ पे a माइनस बी कर दिए। अब हम लोग मल्टीप्लाई के लिए फंक्शन बनाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएंगे a मल्टीप्लाई बाय b करेंगे। उसके बाद हम लोग डिवाइड के लिए फंक्शन बनाएंगे, डिवाइड a डिविजिबल बाय b कर देंगे। यहाँ पे जब चारों काम कर लेंगे तो चारों के वैल्यू को हमको प्रिंट करना है, तो हम लोग प्रिंट कमांड का यूज करेंगे। यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट के अंदर में हम लोग देंगे ऐड इक्वल्स टू ऐड कमेंट देकर के छोड़ देंगे और बाद में सेमी कॉलन देकर के हम लोग क्या करेंगे ऐड कमांड्स को प्रिंट करेंगे, जो भी ऐड का आउटपुट होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के बाद हम यहाँ पे डालेंगे सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कमांड का यूज करके सेमी कॉलन फिर से देंगे और फिर लिखेंगे एस यू बी एस, मतलब कि वेरिएबल का नाम, यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे प्रिंट, प्रिंट पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहाँ पे जाकर के सेमी कॉलम देंगे और यहाँ से हम लिखेंगे एम यू एल मल्टी, जो वेरिएबल का नाम लिए वो लेंगे। यहाँ से फिर हम जाएंगे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर एक कमेंट दे देंगे, कमेंट में हम लिखेंगे डिवाइड, डिवाइड यहाँ से सेमी कॉलम दे करके बैक स्लैश देंगे सेमी कॉलम। फिर हम लोग यहाँ से डिवाइड कमांड का जो भी वेरिएबल लिए हैं उसका नाम देंगे। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया, उसको हम देख लेते हैं। डी आई वी डी आई वी आई डी ई डिवाइड लिख देंगे और यहाँ से कमेंट्स में पी आर आई एन, यहाँ पे डबल आई पड़ गया था इसलिए ये एरर दे रहा था। यहाँ पे जाएंगे और इस तरह से हम लिख देंगे। अब प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, फाइनली एंड कर देंगे। एंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन मेन्यू में जा करके इसको सबसे पहले कंपाइल करेंगे। प्रोग्राम कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे में देख रहे होंगे जो यहाँ पे एक प्रोग्राम कंपाइलेशन का मैसेज आ रहा है, स्टार्टिंग अ प्रोग्राम। यहाँ पे प्रोग्राम विंडो आ गया जिसमें फर्स्ट नंबर हमसे पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट नंबर हम 20 दे देंगे और सेकेंड नंबर हम 10 देंगे। तो यहाँ से आउटपुट स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो आपको 10 और 20 देंगे, तो सबसे पहला आपको मैसेज शो कर दिया ऐड में 30, सब्ट्रैक्शन में 10, मल्टीप्लाई में 200 एंड डिवाइड में 2। तो ये आपका एक प्रोग्राम फिर से हो गया सीक्वेंस का, जो दो नंबर को इनपुट करके हम लोग किसी भी नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही हो, तो काइंडली वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने स्टूडेंट्स के बीच, ताकि आगे और सारे लैंग्वेज पर हम वीडियो डालते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।